मैं अजय कुमार असिस्टेंट कोच विद्या जैन और मैं आज आपको फील्डिंग के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। फील्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है फिटनेस और जो फिट है वो फील्डिंग कर सकता है क्योंकि फिटनेस के बिना फील्डिंग करना बड़ा मुश्किल है। और फील्डिंग एक ऐसा पार्ट हो गया है बैटिंग और बॉलिंग के अलावा कि अगर आप बैटिंग में 25 रन बनाते हैं और फील्डिंग में 25 रन रोकते हैं या 50 रन रोकते हैं तो वो आपका एडवांटेज है। तो इसलिए फील्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया मेरे हिसाब से आजकल की क्रिकेट में। फील्डिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे या बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मैं सभी बच्चों से और सभी खिलाड़ियों को ये बोलूंगा कि फील्डिंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि क्लोजिंग फील्डिंग में हम लोग लगाते हैं जैसे स्लिप्स हो गया, गली हो गया या फॉरवर्ड शॉट लेग या सिली पॉइंट, उनमें हम अमूमन देखते हैं कि जो बैट्समैन है जिनका आई बड़ा सेट होता है, जो रिफ्लेक्सेस बड़े शार्प होते हैं, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि वो रहें। और जो जिनके शोल्डर्स अच्छे हैं, जिनकी आर्म्स अच्छी हैं और बेसिकली बॉलर्स, उनको हम आउटर फील्डिंग में लगाते हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। बच्चों को सबसे पहली बात यह है कि फील्डिंग के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ता है क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें बच्चे थोड़ा सा मन चुराते हैं। अगर आपने उनको इंटरेस्ट एक बार डाल दिया फिटनेस का और फील्डिंग का तो फिर वो लगन एक बार लग जाती है तो फिर वो सर अपने आप काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है बैलेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस कितना अच्छा है। और बॉडी का बैलेंस आपका तभी अच्छा होगा जब आप फिटनेस पे काम करेंगे। तो फिटनेस अगर आपकी अच्छी है तो आपको हाई कैच लो कैच में कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं।